अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है। आइए टेक्स्ट प्लेट के जरिए हम आपको बताते हैं कि दावेदारों को कहां से टिकट मिले हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, इसमें 32 नाम हैं। लिस्ट जारी होने के बाद पीसीसी मुख्यालय के बाहर हंगामा हुआ। हवा महल से ब्रिजकिशोर, आदर्श नगर से राजीव अरोड़ा का टिकट काट दिया गया है और ब्रिजकिशोर के समर्थक पीसीसी मुख्यालय के बाहर टिकट कटने के बाद हंगामा कर रहे हैं। वहीं दूदू से बाबूलाल नागर का टिकट भी काटा गया है। बाबूलाल के समर्थकों का भी पीसीसी के बाहर हंगामा चल रहा है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी हंगामा हुआ था और अब दूसरी लिस्ट जारी हुई है, तब भी कांग्रेस में हंगामा हुआ है। और दर्शन सिंह शेखावत हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फोन लाइन पर मौजूद हैं, माफ कीजिए, सीधे हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। दशरथ, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज जारी हुई है, 32 नाम है इस लिस्ट में, लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी हुई पहले की तरह इस बार भी हंगामा हो गया, बहुत विरोध देखने को मिल रहा है। ब्रिजकिशोर शर्मा के समर्थक विरोध कर रहे हैं, बाबूलाल नागर का टिकट कटा है, उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। आखिर काफी डैमेज हो रहा है पार्टी को, पिछली लिस्ट जारी हुई थी तब भी हंगामा हुआ था, इस डैमेज को पार्टी कंट्रोल कैसे करेगी, पार्टी का क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता है वो इस वक्त भी दिल्ली में है और जो बाकी बची जो 16 सीटें हैं उन पर लगातार मंथन चल रहा है और मंथन को लेकर वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो अभी तक कोई बड़ा नेता है ऐसे नहीं है जिनकी तरफ से कोई बयान आया है। हालांकि एक डिसीजन आज जरूर लिया, स्पर्धा चौधरी जो फुलेरा से टिकट मांग रही थी उनका टिकट काटा गया, उनको टिकट नहीं मिला। वहां पर जो हरि सिंह है उनकी बेटी को टिकट दिया गया। उसके बाद में उन्होंने दिल्ली के अंदर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की गाड़ी के आगे प्रदर्शन किया था, गाड़ी रोकी थी। और उसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने एक यहाँ पीसीसी मैसेज करवाया, मैसेज के जरिए उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं जयपुर शहर की अगर बात करें तो जयपुर शहर में ब्रिजकिशोर शर्मा का टिकट काटा गया है। राजीव अरोड़ा जो लगातार तैयारी कर रहे थे आदर्श नगर से, उनका टिकट बेटिकट हुए, उनको टिकट नहीं मिला। अर्चना शर्मा को दोबारा मौका दिया गया है और पुष्पेंद्र भारद्वाज जो नया चेहरा है सांगानेर से, उनको टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर पीसीसी में लगातार दिन भर नासिर जो विरोध का दौर चला, लेकिन अब शाम हो चुकी है, धीरे धीरे लोग यहां से छट गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ही अंदर अंदर खाने कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश जरूर करेंगे वो नेता जिनके टिकट कटे हैं। लेकिन पार्टी का कहना है कि वो जल्द ही डैमेज कंट्रोल की जो कवायद होती है वो शुरू कर देगी, जैसे तीसरी लिस्ट आएगी उसके बाद ये शुरू हो जाएगी। दीन आसिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दशरथ सिंह शेखावत हमसे सीधे जुड़े हुए थे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज दूसरी लिस्ट जारी की है। लाजमी है कि दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी हुई वैसे ही जिन लोगों के टिकट कटे उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री ब्रिजकिशोर शर्मा के समर्थकों ने हंगामा किया, बाबूलाल नागर का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने भी हंगामा किया। बहरहाल पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। वहीं कांग्रेस नेता बाबूलाल नागर और मंजू शर्मा को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों ने पीसीसी मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान नागर ने पार्टी द्वारा टिकट नहीं देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। वहीं विद्याधर नगर से मंजू शर्मा ने भी टिकट नहीं देने पर नाराजगी जताई है।